आज हम बनाएंगे बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में एग करी, जो आपको बहुत पसंद आने वाली है। आप भी इस अंडा करी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज की ये स्पेशल अंडा करी की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। एग करी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में डाल देते हैं सरसों का तेल 2 बड़े चम्मच। आप कोई भी तेल ले सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में ये सब्ज़ी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। इसी के साथ इसमें जीरा डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच। अब हम इसमें ये प्याज डाल देते हैं, 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज ले लेंगे। हम यहाँ पे किसी भी तरह के खड़े मसाले नहीं डाल रहे हैं, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। प्याज को हमें हल्का सा भूनना होगा, तो जैसे ही प्याज थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी उसके बाद हम इसमें और चीज़ें डाल देते हैं, जैसे घिसा हुआ लहसुन, घिसा हुआ अदरक और घिसी हुई मैंने यहाँ पे मिर्च ली है। इन्हें भी हम हल्के से फ्राई कर लेते हैं। आप चाहें तो पेस्ट भी ले सकते हैं इन तीनों चीज़ों का। प्याज के साथ में ये सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। ये देखिए प्याज वगैरह सब कुछ सॉफ्ट हो गया है, अच्छे से भुन गया है। अब आपको यहाँ पे डाल देने हैं टमाटर, तो टमाटर को भी मैंने घिस लिया है यानी ग्रेट कर दिया है। टमाटर को अगर आप कद्दूकस करके डालेंगे तो बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनेगी हमारी। साथ ही में नमक भी डाल देते हैं ताकि मसाला जल्दी भुन जाए। टमाटर को भी हम चला लेते हैं और इसमें अच्छे से भून लेंगे, मसाले बाद में ऐड करेंगे इसमें। अब आपको मसाले डाल देने हैं, तो थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं, लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच, साथ ही में इसमें धनिया पाउडर डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच, और आधा छोटा चम्मच डाल देते हैं जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच डाल देंगे गरम मसाला, साथ ही में इसमें डाल देते हैं चिकन मसाला या फिर कोई भी मीट मसाला ले सकते हैं 1 छोटा चम्मच जितना, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपके पास मीट मसाला या चिकन मसाला नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब आपको मसाले को अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है, फिर हम थोड़ा पानी डाल देते हैं और चला देते हैं। मसाले को हमें अच्छे से भूनना होगा, इसलिए हम यहाँ पे पानी ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे पानी मुझे थोड़ा कम लग रहा है, क्योंकि हम अंडे को भी इसी में पकाएंगे, तो इसलिए हम पानी और डाल देते हैं इसमें। आप चाहें तो अंडे को अलग से भी पका के ले सकते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें हम एक साथ करने वाले हैं, तो इससे हमारा टाइम भी बच जाएगा और सब्ज़ी भी जल्दी बन जाएगी। तो यहाँ पे हमने पानी इसमें ऐड कर दिया है, मसाला को हमें अच्छे से भूनना होगा, साथ में अंडे को भी पकाएंगे। तो एक स्टैंड रख देते हैं इस तरह से, फिर इसके ऊपर रख देते हैं एक प्लेट। तो गहरी प्लेट का इस्तेमाल करें, फिर इसमें ये अंडे डाल देते हैं। ये प्रोसेस आप चाहें तो काउंटर टॉप पे कर सकते हैं, मैं आपको इसमें डायरेक्टली करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने 5 अंडे ले लिए हैं, आप अपने पसंद से जितने चाहें ले सकते हैं। फिर इसमें लाल मिर्च और नमक डाल के और धनिया डाल देते हैं फ्लेवर के लिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा धनिया पत्ता से, और अच्छे से स्टर कर देते हैं। अभी मैंने गैस को ऑफ किया हुआ है ताकि ये हम प्रोसेस कर सकें। अच्छे से इसे मिक्स कर दें इस तरह से, ये देखिए। फिर हम ढक्कन लगा देते हैं, गैस को भी ऑन कर देते हैं और लो फ्लेम पे इसे 10 मिनट के लिए पका लेंगे, यानी हमें अंडे को स्टीम करना होगा और मसाला भी हमारा भुन जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, आप अलग से बर्तन में पानी डाल के अंडे को पका सकते हैं, इस तरह से स्टीम कर सकते हैं। अंडा हमारा अच्छे से पक चुका है, इसे हम बाहर निकाल देते हैं और ठंडा होने देते हैं, और ये जो मसाला है ये भी अच्छे से भुन चुका है। एक बार इसे चलाते हुए और भून लेते हैं। 1-2 मिनट के लिए मैंने यहाँ पे मसाले को भून दिया है, फिर इसमें पानी डाल देते हैं। जितनी आपको ग्रेवी की कंसिस्टेंसी चाहिए उसके हिसाब से आप पानी ऐड करें। अंडे भी पानी को सोक करेंगे तो उसके हिसाब से ही पानी डालें। नमक भी डाल देते हैं स्वाद के हिसाब से, और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अभी हम ग्रेवी में उबाल आ जाने देंगे, तो बस हमें ग्रेवी में उबाल लाना है। तो ढक्कन हम लगा देते हैं और इसमें अच्छे से उबाल आने देते हैं। तब तक हम अंडा को क्या करते हैं, काट के निकाल लेते हैं। अंडे अच्छे से थोड़े ठंडे हो गए हैं तो इजीली निकल जाएंगे, तो बस इस तरह से आप कट लगा सकते हैं या जैसे आपको पसंद है वैसे काट सकते हैं। अंडे अच्छे से स्टीम हो जाने चाहिए, ये देखिए अंडे के पीस बिना किसी परेशानी के आराम से निकल जाएंगे जैसे ही थोड़े से ठंडे हो जाएंगे। आप देख सकते हैं हमने कोई तेल वगैरह भी नहीं लगाया था, अंडे हमारे अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। अंडे के पीस जब हो जाएंगे उसके बाद हम इसे सीधा डाल देते हैं बॉईल हुई ग्रेवी में।
तो धनिया पत्ता की वजह से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इस सब्ज़ी में, इसलिए धनिया पत्ता ज़्यादा यूज़ होगा। बस हम क्या करते हैं 5 मिनट के लिए इसे और पका लेते हैं, ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगेगा, अंडे को हमें ज़्यादा ओवर नहीं करना है, 5 ही मिनट लगेंगे इसे पकने में। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। लास्ट में यहाँ पे हरा धनिया डाल देते हैं और साथ ही में कसूरी मेथी भी डाल देते हैं, हल्का सा कसूरी मेथी को क्रश करके डाल लें। फिर इसे चला देते हैं, यानी सारी चीज़ों को मिक्स कर दें आपस में, और गैस को मैंने यहाँ पे ऑफ़ कर दिया है। और मिक्स करने के बाद इसे हम ढक देते हैं, गैस बंद है, और 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि धनिया पत्ता और कसूरी मेथी की खुशबू आ जाए। उसके बाद ये सब्ज़ी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपको आज की नए तरीके से अंडा करी की रेसिपी कैसी लगी मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें।